अध्याय दो, स्वयं का निर्माण कहानी। अध्ययन से पूर्व हमें जीवन में किस चीज को अपनाना चाहिए, किस चीज को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमें अवगुणों को छोड़ना चाहिए और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। कहानी का मूल तत्व, हमें सदैव अवगुणों को त्यागने और सद्गुणों को अपनाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। व्यक्ति किस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आज व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की चर्चा है। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम अपेक्षा की चीज है? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है, और यदि समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। किंतु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का एक समूह है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाए। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम के चार अंग कहे गए हैं। पहला, इस बात की सावधानी रखना कि अपने आप में कोई अवगुण ना आ जाए। दूसरा, इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाएं। तीसरा, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले आए। चौथा, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले ना जाएं। बाग में यदि अच्छे फल फूल ना लगवाए जाएं और जमीन को यूं ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झक्कर उग ही आएंगे। यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा तो अवगुण बने ही रहेंगे और सद्गुण नहीं आएंगे। इसलिए यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल दो अंगों, अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना को स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इसका उत्तर हाँ और ना दोनों देना होगा। एक आदमी को व्यर्थ बक बक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, किंतु साथ ही और अन्याय ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है, वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसके बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है, तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाना का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना। ऐसी बातें पर सुनकर हर आदमी वह बात कहता सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं, अधर्म जानता हूँ उसमें निवृत्ति नहीं। एक आदमी को कोई कुलत पड़ गई सिगरेट पीने की ही सही, अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही। बेचारे बहुत संकल्प करता है, बहुत कसमें खाता है कि अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, किंतु अब सिनेमा देखने ना जाऊंगा। किंतु समय आने पर जैसे आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुंच जाते हैं और सिगरेट उसके मुंह तक। बेचारे एक पांव सिनेमा की और जैसे आप ही हाथ बड़े चले जाते हैं। क्या सिगरेट ना पीने का और सिनेमा ना देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं है? क्या उसने झूठी कसम खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार बार असफलता क्यों मिलती है? इस असफलता का कारण और सफलता का रहस्य कदाचित इस एक ही उदाहरण से समझ में आ जाए। जमीन पर एक 6 इंच चौड़ा और 1 फुट लंबा लकड़ी का तख्ता रखा है।
यदि आपसे उस पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकेंगे, क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। अब इस तख्ते के एक सिरे को किसी मकान की छत पर रख दिया जाए और शेष तख्ते को यूं ही आकाश में आगे बढ़ा दिया जाए और तब आपसे इसी तख्ते पर चलने के लिए कहा जाए, तो क्या आप तब उस पर चल सकेंगे? नहीं। कोई पूछे क्यों? आप इसके अनेक कारण बताएंगे। सच्चा कारण एक ही है, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि आप नहीं चल सकते। यदि आप विश्वास कर लें कि आप चल सकते हैं और उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का अभ्यास करें तो आप उस पर बड़े आराम से चल सकेंगे। सर्कस वाले पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, तदनुसार अभ्यास करते हैं और वे चल ही लेते हैं। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने का दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कसमें खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। चोरी ना करने का संकल्प भी चोरी का ही संकल्प है, पक्ष में ना सही विपक्ष में सही है तो चोरी के ही बारे में। चोरी ना करने की इच्छा रखने वालों की चोरी के संबंध में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। हम यदि अपने संकल्प विकल्प द्वारा अपने अवगुणों को बलवान ना बनाएं, तो हमारे अवगुण अपनी मौत आप मर जाएं। आपकी प्रकृति चंचल है, आप अपने गंभीर स्वभाव की भावना करें, या तब काश अपने मन में गंभीर स्वरूप का चित्र देखे, अचिर काल में ही आपकी प्रकृति बदल जाएगी। यदि आपकी प्रकृति अस्वस्थ है तो अपने आप स्वस्थ रूप की भावना करें, और अथक काश अपने मन में अपने स्वस्थ रूप का चित्र देखें, अचिर काल में ही प्रकृति बदल जाएगी। शायद आपको गंभीरता, अस्वस्थ, शांति की उतनी आवश्यकता ही नहीं जितनी दूसरे लौकिक चीजों की है। उन चीजों की प्राप्ति में यह नियम निश्चयात्मक रूप से सहायक होगा, किंतु निर्णायक नहीं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली भावना क्या करेगी? कोई तरुण अपने शरीर का बलवान बनाना चाहता है, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं करता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है, यह असंभव है। भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम सबकी जगह नहीं ले सकती। जो बलवान बनने की सच्ची भावना करेगा, वे अपने खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम की चिंता भी करेगा। इन अर्थों में भावना का स्वार्थ और साधिकार कहा जाता है। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, हिंदू सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में स्थान दिया है। सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपेक्षा, सचमुच इससे बढ़कर ब्रह्म विचार की कल्पना नहीं की जा सकती। शब्दार्थ उपेक्षा अर्थात तिरस्कार, अपमान, स्वार्थ अर्थात सबके लिए, चतुर्मुखी चारों ओर का, संकल्प अर्थात निश्चय प्रण, अचिरकाल अर्थात शीघ्र तुरंत, सम्यक अर्थात उपयुक्त ठीक उच्चारण करें, लौकिक प्रवृत्ति, अनायास निवृत्ति, विकल्प निर्णायक, अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कहानी के माध्यम से सदाचार व संयमित जीवन जीने के बारे में बताएं, अभ्यास कार्य जरा बोलिए, प्रश्न एक दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, का गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उत्तर, सभी दरवाजे और खिड़कियों को खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना। ख, शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम की आवश्यकता होती है। ग, अवगुणों को दूर करने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? उत्तर, अवगुणों को दूर करने के लिए हमें संकल्प विकल्प का चिंतन नहीं करना चाहिए। घ, बौद्ध धर्म में व्यायाम के कितने अंग बताए गए हैं? उत्तर, बौद्ध धर्म में व्यायाम के 4 अंग बताए गए हैं। जरा लिखिए, प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, स्वस्थ स्वरूप के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है? उत्तर, स्वस्थ स्वरूप के लिए गंभीरता,
अस्वास्थ्य शांति की आवश्यकता होती है। ख, हमें अपने अवगुणों को दूर करने के लिए क्या करना होगा? उत्तर, हमें अपने अवगुणों को दूर करने के लिए संकल्प और दृढ़ होना चाहिए। ग, हमारे अवगुण अपनी मौत कैसे मर जाएंगे? उत्तर, यदि हम संकल्प विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को मजबूत न बनाए तो हमारे अवगुण अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। घ, समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। क, प्रकृति। उत्तर, हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। ख, अवगुण। उत्तर, हमें अपने अवगुणों को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ग, धर्म। उत्तर, सदैव सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। घ, भावना। उत्तर, व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 4, सही शब्द भर कर रिक्त स्थान भरिए। क, समाज डैश का समूह है। उत्तर, व्यक्तियों। ख, व्यक्ति से डैश और समाज से डैश का निर्माण होता है। उत्तर, समाज, व्यक्ति। ग, मनुष्य एक डैश प्राणी है। उत्तर, सामाजिक। घ, अरस्तु यूनान के प्रख्यात डैश थे। उत्तर, दार्शनिक। प्रश्न 5, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, अरस्तु यूनान के लेखक थे। उत्तर, गलत। ख, समाज व्यक्ति और चीजों से बनता है। उत्तर, गलत। ग, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने में सुधार कर समाज सुधार कर सकता है। उत्तर, सही। घ, प्रस्तुत कहानी में शीर्षक स्वयं का निर्माण है। उत्तर, सही। प्रश्न 6, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ग, गौतम बुद्ध अनुयायी थे। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के, पारसी धर्म के। उत्तर, बौद्ध धर्म के। ख, अरस्तु दार्शनिक थे। इटली के, पोलैंड के, यूनान के, भारत के। उत्तर, यूनान के। ग, सर्कस वाले पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? अभ्यास द्वारा, विश्वास द्वारा, स्वयं द्वारा, सबके द्वारा। उत्तर, अभ्यास द्वारा। घ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन है थार्नडाइक का, अरस्तु का, प्लूटो का, जॉन डीवी का। उत्तर, अरस्तु का। प्रश्न 7, मिलान कीजिए। ख, प्रतिकूल। उत्तर, अनुकूल। ख, सद्गुण। उत्तर, अवगुण। ग, साधारण। उत्तर, विशेष। घ, श्रेष्ठ। उत्तर, तुच्छ। प्रश्न 8, बौद्ध धर्म के 4 व्यायाम लिखिए। जरा सोचिए। प्रश्न 9, अवगुणों को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प किस प्रकार सहायक है? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। प्रश्न 10, सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा व दुखियों के प्रति दया न होने से क्या ब्रह्म विचार की वल्कल्पना संभव है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, व्यायाम। उत्तर, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ख, संकल्प। उत्तर, हमें अपने अवगुणों को दूर करने के लिए कोई संकल्प न बनाकर चिंतन करना चाहिए। ग, प्रकृति। उत्तर, सदैव प्रकृति का सम्मान कीजिए। घ, प्राणी। उत्तर, प्रत्येक प्राणी धरा पर विशेष है। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। क, अच्छा। उत्तर, अच्छाई। ख, स्वच्छ। उत्तर, स्वच्छता। ग, असफल। उत्तर, सफलता। घ, गंभीर। उत्तर, गंभीरता। प्रश्न 13, संधि विच्छेद कीजिए। क, सद्गुण। उत्तर, सद्जमा गुण। ख, प्रतिकूल। उत्तर, प्रतिजमा कूल। ग, प्रवर्ति। उत्तर, प्रजमा आवर्ति। घ, प्रत्येक। उत्तर, प्रतिजमा एक।
प्रश्न 14, दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, गंगा नहाना। उत्तर, बेटी की शादी करके सोहनलाल गंगा नहा लिया। ख, आंसू पोछना। उत्तर, जरूरतमंदों ने आंसू पोछने पर ईश्वर भी प्रसन्न होता है। ग, उल्टी गंगा बहना। उत्तर, सोहन पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, लेकिन उसका अव्वल आना उल्टी गंगा बहने जैसा काम है। ग, कसौटी पर कसना। उत्तर, रमेश के रोज देर से आने पर और नशा करने के शक में आज उसे कसौटी पर कसा गया। प्रश्न 15, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। उत्तर, क, व्यायाम। ख, असंभव। ग, व्यक्ति। घ, व्यर्थ। प्रश्न 16, दिए गए समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। क, महावीर। उत्तर, महाजमा वीर, कर्मधारय समास। घ, चतुर्भुज। उत्तर, चतुर्जमा भुज, बहुव्रीहि समास। ग, आजीवन। उत्तर, आजमा जीवन, अव्यभाव समास। घ, महात्मा। उत्तर, महाजमा आत्मा, कर्मधारय समास। प्रश्न 17, दिए गए श्रीतु संभिनार्थ शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। क, अरि। उत्तर, शत्रु। हमें अपने अरि से सावधान रहना चाहिए। अरि, संबोधन एस्ट्रियो के लिए। अरि सुषमा, आप कब आए? ख, शांत। हमें शांति से काम करना चाहिए। शांत, सदैव शांत रहें। ग, अपेक्षा। उत्तर, अवगुणों को अपनाने की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाना चाहिए। उपेक्षा। उत्तर, हमें किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। घ, आदि। उत्तर, शुरू। नवयुग का आरंभ उत्साह और उमंग के साथ करना चाहिए। आदि, आदत होना। किसी भी चीज का आदि होना नुकसानदायक होता है। द, प्रकृति, प्राकृत। प्रश्न 18, प्रस्तुत लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, अधजल गगरी छल कट जाए। उत्तर, विज्ञान की परीक्षा क्या पास कर ली, तुम तो खुद को डॉक्टर समझने लगे, सच ही है, अर्जल गगरी छल कट जाए। ख, इस हाथ दे उस हाथ ले। उत्तर, व्यापार में उधार अच्छा नहीं, इस हाथ देना उस हाथ लेना यही बेहतर है। ग, जैसी करनी वैसी भरनी। उत्तर, राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उसे उसमें 0 अंक प्राप्त हुआ, ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। घ, एक कहो ना 10 सुनो। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 19, विचारों के जीवन से संबंध पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। प्रश्न 20, गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी एकत्रित कर अपनी कक्षा में चर्चा करें। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 21, जिस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सद्गुण और दृढ़ता भी, आप एक बेहतर समाज का निर्माण किस प्रकार करना चाहेंगे।